तो वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ कि किस तरह से आप ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। सबसे पहले देख लीजिए, ये आर्टिकल मैंने एस सरफेस सीओ पे लिखा है और इसको मैंने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया है, अच्छे से जितना भी यहाँ पे एनएलपी टर्म्स दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग अच्छे से उसकी ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। यहाँ पे 98 स्कोर आ रहा है आउट ऑफ 100, और यहाँ पर आप सर्च करेंगे संदीप महेश्वरी नेटवर्क 2024, ये आर्टिकल यहाँ पर मैंने पब्लिश किया है और इसकी रैंकिंग आप देख सकते हैं। सेम आर्टिकल है जो यहाँ पे है, ठीक है। और ये इमेजेस एआई के द्वारा जनरेटेड है, जो कि सर्वर एसईओ ने ही जनरेट करके दी है, और इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे पब्लिश कर दिया है। थोड़ा सा कन्वर्जन वर्जन मैंने किया था, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया था इमेज को वेबपी में, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग वेडिंग सब अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर कर दी है, और यहाँ पे हर एक चीज़ प्रॉपरली हम मुझे यहाँ पे राइट करके दिए सर्वर सीनियर। थोड़ा सा मैंने खुद से कस्टमाइज़ किया है इसको, थोड़ा सा उसको अच्छा बनाने के लिए, यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए, रीडेबल बनाने के लिए, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए खुद से भी कस्टमाइजेशन मैंने किए हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ें खुद से की हैं। तो ज़रूरी यही है कि आप जो भी आपको एआई लिख के दे रहा है कंटेंट, उसमें आप खुद से काफ़ी कस्टमाइजेशन करें, क्योंकि जो एआई के द्वारा रिटन आर्टिकल्स होते हैं उसमें ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑलरेडी अवेलेबल होती है इंटरनेट पे। तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन ऐसा करना ही पड़ता है जिससे जो आर्टिकल है वो यूनिक लगे, सर्च इंजन को भी वो आर्टिकल यूनिक लगे, क्योंकि जहाँ थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल एक ही चीज़ के बारे में बात करें, एक ही तरह से बात करते हैं, वहाँ पर अगर आपका आर्टिकल उस सभी तमाम इन्फॉर्मेशन को लेकर कुछ यूनिक ढंग से या फिर उसमें कुछ अपना नया तड़का या फिर कुछ नया एडिशन लगा के बीच में आता है उस कीवर्ड्स पे, तो गूगल उस चीज़ को थोड़ा सा कंसीडर करता है, आपके आर्टिकल पे रैंक आने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो ये वाला आर्टिकल है वो एआई के यूज़ करके, या जो क्रिएट होता है सरफेस एसईओ का, वो मैंने यूज़ किया, और वहाँ से मैंने आउटलाइन आउटलाइन जनरेट की, काफ़ी आउटलाइन से आप मेरे को उसकी मिल गई। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो चीज़ ध्यान देनी है और उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना है, वो ये है कि जब भी आप आर्टिकल लिखें तो उसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें जो मेन मेन वर्ड्स हैं उसको बोल्ड कर दें सबसे पहले तो, और जितने भी आपके पैराग्राफ्स हैं उसमें आप थोड़े थोड़े समय पे ब्रेक्स डालें, पैराग्राफ ब्रेक्स, जिससे कि आपका जो आर्टिकल है उसमें जैसे अगर यहाँ मैं ब्रेक ना डालता ये पूरा पूरा एक ऐसा पैराग्राफ बन जाता है तो वो थोड़ा हार्ड लगता है। आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े दूर पे ब्रेक्स डले हुए मेरे आर्टिकल्स में, है ना, तो थोड़े से इजी टू रीड भी लगते हैं वो, और ऐसा नहीं लगता कि मतलब एआई से लिखे हों या फिर अबंडेंस ऑफ वर्ड्स हैं तो मतलब कंफ्यूज हो जाए उसको पढ़ने में, ऐसा कुछ नहीं रहता फिर, ठीक है। प्रॉपरली हेडिंग्स आप में मतलब जितना कम से कम टेक्स्ट और जितना इजी टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट है वो डालने की कोशिश करें, बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए। और फिर जो इमेजेस हैं ये तो जनरेट करके दे ही दिए हैं यही नहीं, अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल राइटर जन यूज़ कर रहे हैं, फिर सर्फर एसईओ की जगह आप स्केल नेट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे एआई का या इमेज वाला फीचर नहीं है, तो आप पिक्साबे, पिक्सल्स, अनस्प्लैश यहाँ से भी इमेज निकाल सकते हैं। ज़रूरी ये है, ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो उसको ऑल टेक्स्ट है इमेज का और जो उसका ऑप्टिमाइजेशन है वो आप ध्यान में रखिए। जो मेरी इमेज है वो वेपी में अपलोड हुई है, जिससे कि इसका जो साइज़ है वो बहुत ही कम हो गया, और ऊपर से जो उसका नाम है वो है संदीप महेश्वरी लाइफ स्टाइल, ठीक है, इस तरह से जो कि कीवर्ड को भी डिनोट करता है, ठीक है। और यही इसका कैप्शन और यही इसका एक तरह से टाइटल आप देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करके आप इमेजेस को ऐड कीजिए और तो उसको ऑप्टिमाइज़ करके आपने वेबसाइट पर लगाइए, ठीक है। फिर उसके बाद जो पॉइंटर्स हैं वो डालिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक। और जैसे नीचे आएंगे जितना ज़्यादा हो सके हेडिंग्स को इंक्लूड कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 29 हेडिंग्स हैं और 35 से 29 रिकमेंडेड था, तो 29 हेडिंग्स यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। और आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जस्ट लाइक सर्फर एसईओ, तो वहाँ पे आपको एक रिकमेंडेशन मिल जाएगी कि आपको कितने वर्ड्स ऐड करने हैं, कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए, जो कि ईजी रह जाता है फिर आपके लिए। और जो गूगल है ये चीज़ को भी हल्का फुल्का कंसिडर करता है, ऐसा नहीं है कि छोटे लिखे आर्टिकल रैंक नहीं होते, बिल्कुल रैंक होते हैं। मेरे पुराने कई आर्टिकल्स बहुत कम लिखे थे, 1000 वर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन वो गूगल पे बहुत अच्छे से रैंक थे, लेकिन जब मैंने उनको ऑप्टिमाइज़ किया मैंने सोचा क्या पता इनकी रैंकिंग थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, जब मैंने उनको बढ़ाया कंटेंट को तो वो थोड़ा सा उनकी रैंकिंग डाउन हो गई बजाय बढ़ने के, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आर्टिकल्स में वर्ड्स ज़्यादा होंगे तो आपका रैंकिंग ज़्यादा होगी, लेकिन
इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा ज़्यादा रखिए, वर्ड्स अगर कम है चलेगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपका यूज़र चाहता है या फिर जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन ना लिखो। कम वर्ड्स में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आप दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे FAQs हैं, तो FAQs जितने हो सके अच्छे से अच्छे FAQs लिखिए। यहाँ पे आर्टिकल जो था वो संदीप महेश्वरी का था, लेकिन मैंने यहाँ पे व्हाट इज़ द इनकम ऑफ विवेक बिंद्रा भी डाल दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि विवेक बिंद्रा और रिसेंटली संदीप महेश्वरी का एक क्लैश आउट हुआ था और जिसमें बहुत ही चर्चा में रहा था, तो इसी को देखते हुए मैंने ये चीज़ की। तो आप भी कुछ तरह की चीज़ें कर सकते हैं, जस्ट लाइक बीस्ट में आप मिस्टर बीस्ट का गार्ड का आप लिख रहे हैं तो आप उसमें प्यूडीपाई डाल देंगे, प्यूडीपाई का लिख रहे हैं तो टी सीरीज़ डाल देंगे। तो ये सब चीज़ें करते रहिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप रिलेवेंट बनाने की कोशिश कर सकते हैं कंटेंट को वो कीजिए। प्रॉपर हेडिंग्स डालिए, ठीक है। आप एनालिटिक्स डालिए, स्टैट्स डालिए, ठीक है। कंटेंट को बोल्ड कीजिए, ठीक है। और जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं उसको फॉलो कीजिए, जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपका आर्टिकल रैंक हो जाएगा। और इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, वो आप नीचे लिंक में देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। उसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताएं, और आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए वो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और उसकी एक बात जो आपको सबसे अच्छी लगती हो वो भी कमेंट में आप ऐड कर सकते हैं। और बाकी ये वीडियो देखने के लिए यहाँ तक अगर आए तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल डे।